हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्लास टेंथ आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 12। ठीक है, उसका हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन का हिंदी होता है परिचय, मतलब उससे हम लोग परिचित हो जाते हैं। उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और आप लोग को संपूर्ण जानकारी देंगे। तो भाई, इंट्रोडक्शन क्यों देखना है, मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा बात बता दूं। इंट्रोडक्शन इसलिए देखना पड़ता है भाई, कहाँ जाना है, क्या करना, उससे पहले हम कहीं जाते हैं, घर से निकलते हैं किसी मंजिल की ओर, तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं रास्ते में जाने में कौन कौन सा गांव मिलेगा और कौन सा कौन शहर मिलेगा और किस तरह से हम लोग को जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा पहले उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे रास्ते पर। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लीजिए सर्किल का, वृत्त का। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं दो वृत्त हमने बना दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए आपको मैं समझाने के लिए दो वृत्त बनाया। सबसे पहले ये वृत्त देख लीजिए। अभी इस वृत्त की मैं बात करूँ, ये चारों तरफ जो रेखा खींची गई, मतलब इस तरह से, इसमें देखिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप लोग ने इसे पहले पढ़ा आयत, आयत में देखेंगे तो यहाँ पर ए बी सी डी मिल जाता था। यदि मैं बोल देता था कि इस तीनों को जोड़ना है तो कैसे आप लोग जोड़ देते थे, ए बी प्लस सी डी, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सिंपल सी बात समझिए, वृत्त में जो है कुछ नहीं दिया गया है। चलिए हम आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद रिझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं लाइन, इसका नाम होता है परिधि, बोलते हैं हम लोग परिधि, परिधि। ठीक है, अब इससे समझ लीजिए, ये जो इसमें यदि हम पॉइंट दे दें तो ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। और इस केंद्र से हम यहाँ तक यदि रेखा खींच दें, इसको हम लोग बोल देते हैं त्रिज्या। समझते जाइए एक एक बात को, उसके बाद हम आपको पूर्णपेन इसका जो है फॉर्मूला भी बताएंगे कैसे क्या निकलता है। ये हो गया त्रिज्या। यदि इसी लाइन को हम यहाँ से यहाँ मिला दें, ठीक है, तो ये हो जाता है वृत्त का व्यास। यदि ये पूरा लाइन हो, मैं पहले इसका नाम दे दूँ ए और बी, और ये है ओ। यदि पूछे ए ओ क्या है, देखिए ए ओ क्या है, ए और ओ क्या है, तो कहेंगे सर त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। और ओ भी पूछे, ओ बी भी पूछे, तो क्या कहेंगे सर त्रिज्या है। केंद्र से आधे दूरी, मतलब केंद्र से जो शुरू होगा वो क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। ठीक है, लेकिन ये संपूर्ण रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। मतलब त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं और व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, याद रखेंगे। व्यास को हम लोग जो है डी से सूचित करते हैं और त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। यदि इसमें आप लोग को मैं बता दूं कि भाई यहाँ पे जो है व्यास दे रखा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो देखिए व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हम आपको बोलेंगे सर आप निकाल के हमको दिखाइए त्रिज्या कितना होगा। इसका यदि व्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या कितना होगा, तो कहेंगे सर डी बाय टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका आधा होता है, तो डी बाय टू तो 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये निकल के आ गया हम लोग को आर। ठीक है, 3 क्या निकल के आ गया, आर। यदि कहे कि यहाँ पर देखिए, कह दे कि आपको जो है त्रिज्या दे रखा है, मतलब त्रिज्या आर दे रखा है, आर दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको व्यास निकालना है, सभी बात को हम जानकारी देंगे, टेंशन मत लीजिए। व्यास दे रख, व्यास निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 × 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिज्या का गुना क्या होता है, 2 × क्या होता है, व्यास होता है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, 2 से हमने भाग दे दिया। ऐसे कहें तो आप इसको ए भी आर हो गया, ए ओ आर हो गया, ए ओ आर हो गया, आर आर 2 आर हो जाता है, 2 आर हो गया, तो समझिए कि आर व्यास निकालना है तो गुना कर देंगे, और यदि त्रिज्या निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे। बिल्कुल सिंपल था ये, तो समझ गए। अब देखिए कुछ चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहले वृत्त का व्यास, यदि वृत्त का व्यास ज्ञात करना है तो आप लोग समझ गए, इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। ठीक है, ये वाला परिधि हो गया। यदि इसका लंबाई ज्ञात करना है तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम लोग को जानना होगा। अब मैं फॉर्मूला से ले जाने से पहले हम आपको बता दूं कि ये पाई होता है, पाई का मान होता है 22/7, और पाई का ही दूसरा मान होता है 3.14। ये चीज़ आपके इस
चैप्टर में बहुत बार यूज होगा, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। पाई बराबर होता है 22/7, ठीक है, और पाई का दूसरा मान होता है मतलब 3.14, इसको भाग दे दीजिए तो इतना ही आ जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे हिसाब में दिया रहेगा पाई बराबर 22/7 यूज़ कीजिए, और कहीं कहीं दिया रहेगा पाई बराबर 3.14 यूज़ कीजिए, ठीक है। यदि वृत्त का व्यास निकालना हो तो हमने क्या बोला, 2r कर देंगे, मतलब वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, इस वृत्त का जो है हम लोग को व्यास ज्ञात करना है, और त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ओ ए देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो वृत्त का हम लोग व्यास ज्ञात कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए देखिए, इस वृत्त में यदि हम यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ करें तो इसका कोई मान सम्मान नहीं दे रखा है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो आप लोग को मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो है एक पॉइंट पे यदि कोई सर्किल है और पूछे कि भाई कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो आप लोग याद करें 360 डिग्री का, यदि पॉइंट पे है तो, ठीक है, ये चारों तरफ जो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इसी सर्किल का हम लोग को ये वाला जो है पार्ट का पूरा का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। यदि क्षेत्रफल हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम लोग पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई का मान हो गया 22/7 गुना ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर पढ़ लीजिए, 6 गुना 6, तो इस तरह से हम लोग इसका क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, वृत्त का सरपरिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप लोग को फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। वृत्त का परिमाप, देखिए वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही चीज़ है, समझ लीजिए। ये है वृत्त, हमने एक ड्रॉ किया और ये वाली लाइन जो है ये क्या होगी, परिधि होगी, मतलब हमने यहाँ से यदि ये पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया, इस क्रम में यहाँ तक क्रम में चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे आके हमने ख़त्म किया, तो ये कितनी दूरी का है, तो इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए आपको करना होगा 2πr, और ये जो है पॉइंट ये यहाँ से यहाँ क्या होता है, ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए भी मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, त्रिज्या यदि नहीं दिया रहे तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं वो भी दिए हैं, तो लिंक जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा, त्रिज्या भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जिस वृत्त में त्रिज्या नहीं दे रखा है। यदि यहाँ तो त्रिज्या दे ही रखा है, टेंशन ले लीजिए, और त्रिज्या तो 2 के जगह पर 2 देंगे, पाई का मान 22/7 देंगे, आर का जो मान रहेगा वो आर का मान दे देंगे, तो हम लोग को जो है इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगा कि हम लोग ने इस सर्कल पर एक बार जो चले कितनी दूरी तय की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला फॉर्मूला होता है आप लोग का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, समझिए थोड़ा गौर से। अर्धवृत्त क्या हो गया, मान लिया जाए ये एक वृत्त है, सपोज ये एक वृत्त है, और इस वृत्त में आधे भाग में मैंने इधर एक कलर कर दिया, ठीक है, कलर कर दिया। कलर करने के बाद हम बोले कि इस वृत्त में जो है यहाँ से यहाँ तक आप लोग को क्षेत्रफल बताना है, किसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग को क्या करना है कि उसका जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे सर जी पार स्क्वायर होता है, क्या होता है, पार स्क्वायर होता है, तो आप लोग कहेंगे 1/2πr, 1/2πr उसका आधा हो जाता है अर्धवृत्त का, मतलब आधा वृत्त का क्षेत्रफल। उसी तरह से अगले क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारा, अर्धवृत्त का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी सर्कल का एक सर्कल बनाते हैं आप लोग को समझाने के लिए, देख लीजिए वृत्त बनाते हैं और यहाँ से हमने ये वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ये वाले पॉइंट पे ख़त्म कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को ज्ञात करना, सपोज कीजिए ये आधा भाग है, इस वृत्त का आधा भाग है, और इसी परिधि जो होता है ये लाइन होता है, इस लाइन का लंबाई ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लोग याद रखेंगे क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर प्लस 2r, क्या होगा, पाई आर प्लस 2r, तो r क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है, d रहे तो समझिए व्यास होता है, ठीक। अब देखिए थोड़ा हटके हम बताते हैं, सभी चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूला है यही सब कुछ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, समझते जाइए आप लोग। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले, मतलब चतुर्थांश मतलब क्या आप लोग को याद रहा, यदि चतुर्थांश क्षेत्रफल बोले तो 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, आप लोग को वृत्त का क्षेत्रफल याद हुआ, कहे नहीं हुआ सर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यदि आधा वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो 1/2, आधा क्या होता है, आधा क्या होता है, 1/2 होता है गुने पाई आर, यदि चतुर्थांश क्षेत्रफल बोले 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
यदि एक ही वृत्त में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि एक सर्किल है, मान लिया जाए एक सर्किल है और इसके संकेंद्रीय सर्किल, मतलब एक ही सर्किल का जो है दो सर्किल का एक संकेंद्र होना चाहिए। मान लिया जाए ये सर्किल है, ये दोनों सर्किल है, देख लीजिए इसका केंद्र क्या है, एक ही न है। अब इसकी त्रिज्या की बात करें तो यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, मान लिया जाए ये 2 है और ये 3 है। तो इसका जो हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर, होता है पाई आर स्क्वायर, और दूसरा वृत्त भी वही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। मतलब एक वृत्त का एक नाम देते हैं, दूसरा का दो नाम देते हैं। इसमें देखिए पाई पाई आर है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर 1 और आर स्क्वायर 2। ये हो गया संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पाई जो है हम लोग बाहर निकाल लेंगे, आर स्क्वायर 1 मतलब ये जो है क्या, त्रिज्या, पहला त्रिज्या और दूसरा त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है, माइनस कर देना है। मतलब यदि दोनों का क्षेत्रफल ऐड करना है तो अलग बात है, यदि दोनों का क्षेत्रफल निकालना है तो एक दूसरे से हम लोग माइनस करेंगे तभी निकलेगा। यदि दोनों का क्षेत्रफल जोड़ना है तो हम लोग जोड़ देंगे, यदि हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोनों का अलग अलग, तो हम लोग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग वृत्त में संबंधित जो भी क्वेश्चन था मैं आपको समझा सका। यदि यार इसमें से कहीं भी कोई वृत्त में संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही, तो भाई डरने की बात नहीं है, भाई आप मुझे कमेंट करो, मैं समझाने के लिए आया हूँ, मैं आपको समझा के रहूँगा। देखिए ये वृत्त है, मैंने ऐसे इस वृत्त में नहीं बताया कि देखिए ये इस वृत्त की मैं थोड़ा सा बेसिक एक मिनट के लिए मैं बात कर लेता हूँ। इस वृत्त को मैंने ज़्यादा ही कलर कर दिया है कुछ, और ये वाला ब्लैक कलर है, ठीक है। और यहाँ से वृत्त का जो ये है, ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ये पॉइंट है, और ये जो कह रहा है, ये मान लीजिए ये पार्क है, और पार्क में चलने वाला रास्ता रहता है ना जी, पार्क में चलने के लिए रास्ता रहता है ना, बनाया रहता है, और बोल दे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ये इसका वृत्त का जो केंद्र एक ही गो हो गया, और दूसरा ये यहाँ तक की परिधि हो गया, और तीसरा आप लोग को जो दूसरा परिधि जो मतलब सॉरी त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक इस वृत्त का त्रिज्या हो गया। इस वृत्त में दो वृत्त बन रहा है, पहली बात तो ये हो गया, और दूसरी बात ये जो ब्लैक कलर का है इसका भी आप लोग को त्रिज्या ज्ञात करना होगा। ये कितने मीटर का है या सेंटीमीटर का, उसको जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ के त्रिज्या हो जाएगा इसका। तो दो संकेंद्रीय वृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो ये कुछ बच्चे के मन में कन्फ्यूज़न चलते रहता है, इसलिए मैंने इस बात को भी क्लियर कर दिया। बेसिक रूप से आपको यदि फॉर्मूला याद नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं, आप जो वीडियो देखे हैं उसके बाद एक से दोबारा देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हालांकि इस पूरे चैप्टर में मतलब 12.1 और 12.2 और 12.3 जितने भी एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताना, और साथ ही आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।